हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन गिवन बाय द इक्वेशन माइनस एक्स माइनस वन डिवाइड बाय टू वाई प्लस थ्री डिवाइड बाय वन एंड जेड माइनस फाइव डिवाइड बाय टू। तो बच्चों, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू यूज अ फॉर्मूला एज अ की कंसेप्ट। सो अवर की कंसेप्ट इज, अगर कोई लाइन का इक्वेशन आपको गिवन है एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाई ए वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन डिवाइड बाई सी। तो अगर इस फॉर्म में आपको कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं इसे, इस फॉर्म में अगर आपको लाइन का इक्वेशन गिवन है तो इसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू क्या होती है, इसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू होती है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने मिस्टेक किया कि इक्वल टू की साइन नहीं आनी चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन। तो एक दो और तीन, ये तीन होंगे आपके डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि तीन थ्री एक्सिस है ना, तो तीन एक्सिस तीन एंगल बनेगी एक्स के साथ वाई के साथ और जेड के साथ, तो हमें तीन डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, किस वाले फॉर्म में, इस फॉर्म में एक्स एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन और नीचे एक नंबर आ जाएंगे ए बी और सी। एक्स का क्वेश्चन वाई का क्वेश्चन और जेड का क्वेश्चन पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप चेक करो, जो आपको लाइन गिवन है उसमें एक्स का क्वेश्चन नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने के लिए मैंने क्या किया, माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया एक्स प्लस वन, और वो माइनस कहाँ चला गया, डिनोमीटर में चला गया, डिनोमीटर में टू लिखा हुआ था तो मैंने इसको माइनस टू कर दिया। बाकी के सब कुछ तो सही है, आप चेक करो वाई प्लस थ्री, तो हाँ ये ठीक है। तो वाई प्लस थ्री डिवाइड बाई, इसके नीचे नंबर क्या गिवन है, वन, ये वन है, इज इक्वल टू जेड और जेड माइनस फाइव डिवाइड बाई टू, जेड माइनस फाइव डिवाइड बाई टू। नाउ चेक करो, ये हमारे जो रिक्वायर्ड फॉर्म जो मैंने अभी लिखा कार्टेशियन फॉर्म इसमें है। तो अब यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू क्या आ रही है, ए इज इक्वल टू माइनस टू, बी इज इक्वल टू वन एंड सी इज इक्वल टू टू। और मैं क्या फाइंड कर लूँ, अच्छा होगा हम ये फाइंड कर लें पहले से ही, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो माइनस टू का स्क्वायर फोर, वन का स्क्वायर वन और टू का स्क्वायर फोर, फोर प्लस फोर एट, एट प्लस वन नाइन और नाइन का स्क्वायर रूट होगा, नाइन का पॉजिटिव स्क्वायर रूट होगा थ्री। तो इसकी वैल्यू आ रही है थ्री। तो डायरेक्शन कोसाइंस रिक्वायर्ड, डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या हो जाएंगे, ए अपॉन, तो ए मीन्स माइनस टू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या थी, थ्री। दूसरा होगा बी डिवाइड बाई थ्री, और सॉरी बी इज इक्वल टू क्या गिवन है, वन, तो वन डिवाइड बाई थ्री एंड सी, सी मीन्स टू डिवाइड बाई थ्री। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।